जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सभी देश एवं प्रदेश और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व एवं माननीय हमारी बहन जी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस प्रत्याशी बनाकर मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। मुंगावली में जहां पार्टी भाजपा ने हैट्रिक लगाने की जद्दोजहद में लगे, दो बार चुनाव जीतकर दिग्गजों को हराने वाले राज्य मंत्री राव बिजेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है और मैदान में उतारा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों दल चुनाव में वोट और सपोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने किसान पुत्र जिले के प्रतिष्ठित परिवार के जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह यादव को मैदान में उतारा है। बसपा के बढ़ते जनाधार और क्षेत्र भर में सक्रिय जनसंपर्क से मुंगावली विधानसभा में मामला अब रोचक हो गया है। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। मैं एक जनसेवक के तौर पर मुंगावली विधानसभा और अशोकनगर जिले में एक अपनी पहचान रखता हूँ, जो कि गरीब समुदाय के बीच अपार प्रेम और स्नेह है, जो कि मुझे देखना था कि भाई मुझे कितना प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। भाई साहब, चुनौती हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी से हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारी, मेरा विश्वास है कि आगे है और हम 20,000 मतों से चुनाव जीतेंगे।